हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो है मेरा स्टिच्ड सूट है और इसके कॉर्नर पर एक फूल बना रही हूँ मैं, तो आप सब देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा बना है। ये देखो आप, पहले मैंने वाइट कलर लिया, पानी लगा लगा कर वाइट कलर ले रही हूँ मैं। और फिर ये मजेंटा कलर लिया, ये देखो, पहले मैंने वाइट कलर ले लिया था, अब उसके ऊपर कहीं कहीं पर ये पानी लगा लगा के कर रही हूँ मैं मजेंटा कलर। ये फूल ही ऐसा है जिसमें कि पानी लगाना है, ठीक है, और ये तीनों में नहीं लगाना। अब जो इस साइड दो बनाऊंगी, मतलब इन तीनों में वाइट कलर लगाना है और इन दोनों में नहीं लगाना। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ और पता ही नहीं लगता क्या बोल जाती हूँ, कभी क्या बोल जाती हूँ। इधर देखो, ये कितना प्यारा कलर है ना मजेंटा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये देखो आपके सामने फूल बन गया है, कितना इजी है ये फूल, ये देखो। इसकी ना फिर ऐसे धीरे धीरे मिक्सिंग कर देंगे, ये सेल्फ प्रिंट में सिंथेटिक सूट है ये। और अब यहाँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइट कर दिए, अब वाइट कलर किनारे किनारे पर थोड़ा थोड़ा वाइट कर देंगे। एक फूल जैसे ये बन गया है, और अब एक फूल इस साइड बनाएंगे, ठीक है। एक फूल जैसे ये इधर बना है, अब ये वाइट इसमें इस साइड लेंगे, नीचे की साइड। थोड़ा सा पानी लगा लगा के वाइट कलर लेंगे और अब मैजेंटा कलर लेंगे, ठीक है ना। अब ये लाइट मैजेंटा हो गया, इस साइड जो है वो जो है हम डार्क ही लेंगे, ये देखो ये बनता जा रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल। अब ये देखो, अब बाद में इसकी जो है ना थोड़ी सी आउटलाइन करेंगे। अब एक हमने कली बनानी है, कली, ठीक है, इसकी कली बनाएंगे। उसमें ये देखो, पहले लाइट, मतलब मैं ब्रश जो मजेंटा वाला है वो वाइट में डाल देती हूँ और वो फिर लाइट बन जाता है। अब इसके ऊपर डार्क कर देंगे, इससे क्या है ना मेरा सूट थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, कटवर्क तो हुआ ही हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग भी बन जाएगा ना। अपना काम करने का टाइम ही नहीं लगता मुझे। अब ना मैजेंटा कलर में हल्का सा ग्रीन कलर मिला लेंगे, हल्का सा ग्रीन कलर मिला कर इसकी जो है ना डार्क, थोड़ी सी डार्क आउटलाइनिंग हो जाएगी। आउटलाइनिंग ये थोड़ा सा मेरे मुझसे ना ज़्यादा ग्रीन डल गया, तो इसलिए एक बार हम इसकी ना जो है डंडी, जो ये नीचे डंडी है वो बना लेते हैं। अब मैंने ब्रश को पोंछ लिया है, अब बारीक ब्रश लूंगी मैं, बारीक ब्रश से ना इसकी आउटलाइन करेंगे, मतलब हल्का सा डार्क कलर चाहिए आउटलाइन के लिए।
ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा डार्क, जिससे थोड़ा सा आभास हो कि इसके ये डार्कनेस दिखानी है। ये देखो, अगर आपको लगता है ना डार्कनेस ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर लाइट कलर चढ़ा दो, आप लाइट कलर चला दो, ठीक है ना। ये देखो, ये सारी आउटलाइनिंग इसकी हो गई। अब इसकी जो ऊपर वाला है ना कली, इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे। ये देखो, अब इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। अब ब्रश को गीला करके ना पोंछ के फिर इसको इस तरह से यहाँ यहाँ से जो है ना मिक्सिंग दे देंगे। अब ये रह गया एक, इधर भी मिक्सिंग करके फिर मैं आपको इसकी लिप्स बनानी सिखाती हूँ, ठीक है ना। इसकी लिप्स बनाएंगे, ये देखो, ये आपके सामने मैंने कोई ड्राइंग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सीधा ही डायरेक्ट ही बना रही हूँ मैं। जब आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बस वही बात है। अब इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, पहले वो बनाती हूँ मैं। पत्तियाँ बनाने के लिए जो है ना वाइट कलर लेंगे। अभी इसको सूखने देते हैं हम, इसका जो बाकी का काम है वो थोड़ा सा ठहर के करेंगे। अब मैं आपको ना इसकी पत्तियाँ बताती हूँ। पत्तियों के लिए ना पहले सारा वाइट से फिल कर देंगे, ठीक है, सारा का सारा वाइट कलर से फिल कर देंगे। इसको ज़्यादा कपड़े को मैं टाइट भी नहीं कर सकती, ये बहुत ही सॉफ्ट है, छिज जाएगा, तो मैंने इसको हल्का हल्का सा ही लगाया है। ये मैं तीन तो इस साइड लिप्स बनाऊंगी, लिप्स बनाऊंगी, एक लिप उधर बनाऊंगी, एक पत्ती उस साइड बनाऊंगी। अब मैं मेहंदी कलर है ना ग्रीन, मेहंदी कलर वो कलर पहले तो ऐसे हल्का हल्का सारे में फैला देंगे, हल्का हल्का सारे में फैलाकर फिर इस एक साइड इधर भी एक बनाएंगे लेप। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो सिलवट सी है उसको निकाल दूँ। अब ठीक है, अब एक पत्ती जो है ये यहाँ पर बन गई, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब ये एक पत्ती यहाँ पर बन गई है, ये अब इसमें डार्क ग्रीन लेंगे और ये देखो ऐसे कहीं कहीं पर ना ऐसे से नेचुरल सा इफेक्ट दे देंगे, इसमें मिक्सिंग कर देंगे। अब इधर भी ऐसे करेंगे, अब फिर लेंगे कलर थोड़ा सा और अब यहाँ पर ये देखो धीरे धीरे इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। ठीक है ना, अब लाइट ग्रीन कलर से ही इसकी डंडियाँ बनाएंगे।
आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो कली उधर को जाएगी और अपने इसको इधर को ले जाते हैं, ठीक है ना, वो तो अपनी मर्जी है। ये पहले गलती से ये डार्क सा हो गया था ना, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। अब एक कली हम जो है एक इधर को ऊपर को बना देंगे, दो तीन कलियां जो है ना छोटी छोटी। अब इसको ब्रश को धोएंगे और वाइट कलर की जो है ना, जो ये ऐसे देखो ये पराग सा निकलता है, ये बना दिया, ठीक है, और इधर से भी ऐसे बना दिया। और फिर ये वाइट कलर एक बार फिर ये लाइन के आस पास पास ना इसको वाइट कलर मिक्स कर देंगे, ब्रश को पोंछ कर मिक्सिंग कर देंगे। अभी तक ये गीला ही है क्योंकि हमने पतला पत्ता चलाया ना, कपड़ा देख लेना चाहिए, कई स्टफ़ होते हैं ना सोख लेते हैं फैलते नहीं हैं, ये वैसा कपड़ा है तो इस पर आप पतला भी चला सकते हैं। और अगर जो फैलने वाला कपड़ा होता है उस पर फिर आप ये डिज़ाइनिंग नहीं बना सकते, ये तो आपको धीरे धीरे काम करोगे ना अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब आपको खाना बनाते हो तो आपको खाना बनाना आ जाता है ना, पता लग जाता है ना सब्जी में कितना नमक मिर्च डालना है, क्या चाहे कैसे हैबिचुअल हो जाते हो ना, और वही यही इसमें भी यही है, जैसे जैसे काम करोगे आप हैबिचुअल हो जाओगे। अब इसको और डार्क करना चाहते हो तो और डार्क करते जाओ, और आउटलाइनिंग अगर मोटी हो गई है तो उसको ऐसे दबा भी सकते हैं, जैसे ऐसे कम कर सकते हो, ज़्यादा करनी है तो दोबारा और चला सकते हो, बस ऐसे धीरे 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 धीरे। अब हम जो है बिल्कुल लाइट कलर की ना यहाँ पर कलियाँ बना देंगे तीन, ये देखो ये देखो सुंदर लग रहा है ना, ये देखो सुंदर लग रहा है ना। अब ये काला कलर, ये डार्क मेहंदी कलर लेंगे और फिर उसकी थोड़ी सी लाइनिंग सी बना देंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। हाँ जी फ्रेंड्स, और मैं साथ साथ अब ये ख़त्म होने वाला ही है डिज़ाइनिंग, तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अपना ध्यान रखो, घर का खाना खाया करो और साफ़ सुथरा खाना खाओ, आटा गूंथने से पहले भी हाथ धो, सब्जी भी धो कर अच्छी तरह बनाओ, साफ़ सुथरा मतलब ध्यान दो सारा। अब कितनी महामारी फैली हुई है तो ये देखो, हर उसके पीछे हर बात के दो पहलू होते हैं। देखो अब ये बीमारी आई है तो लोगों में कितना साथ साथ डेथ रेट भी बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव वो भी हो रहा है कि अब सब पाठ करने लग गए हैं, है ना, भगवान को मानने लग गए हैं। अदरवाइज़ अब भी तो देखो फ्री है ना, वैसे तो भगवान को याद ही नहीं करता कोई, धीरे धीरे इसकी जो है ना फिनिशिंग वो तो आपके ऊपर ही है, मतलब जितनी भी आप इसकी फिनिशिंग करते रहोगे आराम से। और ये जो वाइट कलर है ना इसके ऊपर छोटी छोटी डॉट जो है ना डॉट लगा देंगे वाइट कलर से, इतने से ही ये जो सूट है ना सुंदर लगने लग गया ना।
मेरे पास इस कलर का दुपट्टा भी है मैजेंटा, ये देखो। अब मैंने इस पे ना छोटी छोटी इस तरीके से ये कर दिया है डिजाइनिंग। ये देखो हाइलाइट्स, डार्क लाइट, बस इसी से ही जो है ना चीज़ बन जाती है। बस पेंटिंग में यही ध्यान रखो, लाइट डार्क, बस यही चीज़ है। अब कहीं कहीं आपको लगता है ना, वहाँ वहाँ आप डार्कनेस कर दो। ओके फ्रेंड्स, अब ये लगभग कंप्लीट हो गई है, तो अपने विदा लेते हैं। ओके, और ये मुझे बताना कैसी लगी वीडियो, और कल अपने जो है एक छोटा सा जो है मोर आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर जो ये अड्डे पर सूट लगाया हुआ है जो मैंने पहले बताया था आपको, ये पूरा करूंगी, और फिर उसके बारे में भी आपको सारा बताऊंगी मैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, गुड नाइट।